कि फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे उदयपुर की ओर, जहां पर सादीलाल मीणा फिलहाल संबोधित कर रही है। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री आदरणीय रामलाल जी जायसवाल, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्र मंत्री गिरिजा व्यास जी, पूर्व हमारे सांसद भाई रघुवीर जी मीणा साहब, सज्जन कटारा जी, विजय कटारा जी, हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव भदौरिया जी, प्रिंसिपल आरएनटी मेडिकल कॉलेज, सभी चिकित्सा अधिकारी और विशेष रूप से बैठे हुए नर्सिंग डे पर उपस्थित सभी नर्सिंग भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है। आपका सहयोग है नर्सिंग कर्मचारियों का कि मुख्यमंत्री जी आपको इस दिवस पर बधाई देने स्वयं आए, तो सहयोग की बात थी। चिंतन शिविर होने पर निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ आपको मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने जो कोविड में सेवाएं की, बहुत शानदार, बहुत अच्छी सेवाएं की, आपकी सेवाओं की प्रशंसा कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने किए। राजस्थान का कोविड प्रबंधन पूरे देश में अच्छा रहा और भीलवाड़ा का मॉडल हमारे पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी भी बार बार भीलवाड़ा मॉडल की बात करते, ये मुख्यमंत्री जी की देने कितना अच्छा, कितनी ऋषि आपने की कोविड में, कितनी प्रबंधन आपने किए, कितना आपने लोगों को सारा देने के, खुद कोविड होने के बाद भी लगातार आप 500 से भी करीब ज्यादा डीसी आपने की। ये राजस्थान के इतिहास में आपकी लोगों के प्रति, जनता के प्रति जो आपकी संवेदना थी, निश्चित रूप से उससे राजस्थान का सबसे प्रबंधन हुआ। आप नर्सिंग कर्मियों का इस अवसर पर मैं सरकार की ओर से, हम सबकी ओर से आपको बधाई देते हैं कि आपकी सबकी सेवाएं जिस तरह मिलती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बहुत लंबे समय से मांग थी, जब मैं मंत्री बना थी ये चीज मेरे सामने भी आई, कई चीजें उसमें बीच में अधूरी थी कि नर्सिंग कर्मियों को ऑफिसर का दर्जा दे, काफी समय से आपकी मांग थी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आगे आकर कहा भाई इनको देना ही देना है, इन्होंने अच्छा काम किया है राजस्थान में, तो आपने कैबिनेट में ले जाकर नर्सिंग ग्रेड को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया और फर्स्ट ग्रेड को आपने नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया। अब आप नर्सिंग कर्मी नहीं हो, आप अधिकारी हो गए सर, आपसे आपका और जिम्मा बढ़ गया। जो मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आईपीडी में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, आपका दायित्व ज्यादा बढ़ गया, आईपीडी में सारी पेशेंट को दवाइयां आपको ही देनी है, आपने उसका भी स्वागत किया है, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से राजस्थान में एक इतिहास बना है। अभी ग्रीस कह रहे थे ये सही है, हिंदुस्तान में अगर कोई गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति किसी मुख्यमंत्री की संवेदना है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत की है। फ्री दवाई, फ्री जांच, चाहे कितनी महंगी दवाई हो, कितनी महंगी आपकी जांच हो, सारी चीजें फ्री, आईपीडी में जाने के बाद सारी चीजें आपकी फ्री। और आपका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का जो दायरा आपने 5 लाख से उसको 10 लाख तक कर दिया, और इसके अलावा भी अगर ज्यादा भी कोई जांच हुई आपको निश्चित रूप से 10 लाख से भी ज्यादा का किडनी प्लांट है, लीवर प्लांट है, ये सब चीजें अगर आप 10 लाख से भी ज्यादा किसी की हुई तो भी उसको सरकार निश्चित रूप से